हेलो एवरीवन, क्या आपकी रोटियां भी फूलती नहीं हैं या सॉफ्ट नहीं बनती? तो चलिए आज हम एकदम फूली फूली रोटी बनाएंगे और सारी रोटियां फूलेंगी। तो मैंने यहाँ पे एक थाली ले ली है और थाली के अंदर लगभग 3 कटोरी आटा मैंने यहाँ पे ले लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आटा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ये गेहूँ का आटा है। अब आटा लगाने के लिए हम एकदम नॉर्मल पानी का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा देसी घी या फिर नमक भी ऐड कर लेते हैं, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है, मैंने बस ये रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल पानी लिया है। तो हम इसी से आटा लगाएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा आटा अच्छे से लगा होना। ना तो आटा हमारा ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पानी डाल करके आटा लगाएंगे। आटा लगाने में कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से अच्छे से हाथों से मसल मसल के आटा लगा करके तैयार करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आटा लगाने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम ढक करके अच्छे से रख दें, क्योंकि उससे क्या होता है ना, उसके बाद आप इसको रेस्ट दे के रोटियां बनाना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से बनती हैं। तो मेरे यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, लोई लूँगी और उसको इस तरीके से गोल करते हुए थोड़ा आप पहले इसको स्मूथ कर ले, उसके बाद आटा डस्ट करेंगे और फिर रोटी को बेलना शुरू करेंगे। तो अब मैं बेल लेती हूँ इसको। हल्के हल्के हाथों से हम इसको अलट पलट करके बेल लेंगे, या तो आप इसको सीधा गोल गोल करके भी बेल सकते हैं। बस इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसको हर तरफ से बेल लें। इसी तरीके से अपनी सारी रोटियां बेलते जाएंगे। और एक तरफ हमने गैस ऑन करके तवा गैस पे रख दिया है, तो ये रोटी हमारी बेल करके तैयार हो गई है यहाँ पे। तो चलिए अब मैं इसको सेक लूंगी। तवा गरम है, हम इसको डाल देते हैं इस पे। हल्के हल्के से जब इस तरफ बबल आने लगे तो हम रोटी को पलट देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, स्लो टू मीडियम ही रहना चाहिए। अब पलटने के बाद जब रोटी इस साइड से भी पक जाएगी, तब हम तावा हटा के इसको गैस की फ्लेम पे डायरेक्ट सेकेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारी रोटी फूल करके तैयार होगी और सारी ही रोटियां ऐसे फूलेंगी। हमारी रोटी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ, क्योंकि कुछ लोग गैस पे खाई हुई रोटी डायरेक्ट जो सेकी होती है वो पसंद नहीं करते, तो अब हम इसको तावे पर ही सेकेंगे। तो एक तरफ से इसको पका लेंगे, हल्के से बबल आ जाएंगे, तब हम दूसरी साइड से इसको अच्छे से पकने देंगे। अब इसको देख लेती हूँ मैं। एक सूती कपड़ा लेंगे और इसको दबा दबा के उस कपड़े से सेकेंगे। ये देखिए, ये इस तरफ से तो बहुत अच्छे से सेक चुकी है। अब हम इसको ऐसे हर तरफ से सूती कपड़े से दबाएंगे और ये देखिए, ये यहाँ पे भी अच्छे से फूल रही है। बस इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको आटा बहुत हल्के हाथों से अच्छे से गूंदना है और गूंदने के बाद आटे को कुछ देर का रेस्ट देना है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी सारी ही रोटियां इतने अच्छे से फूल करके और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट तैयार होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।